अस्सलाम वालेकुम नासरीन, आवाज न्यूज तक अडाव आया संजा सैयद एमआईहा कायनात शेख हलु था हेडलाइंस तरह। पीडीएम इस्तीफान का पो लॉन्ग मार्च जो फैसलो ब मुलतवी करे छो। पीडीएम अगवाड़न तजवीज दिनी है तो लॉन्ग मार्च सेनेट चूंडन का पो थियण घुर्जे। फेब्रुवरी में सी वधिक हुंदो, इन करे कारकुनन के दुखियाई थींदी। सेनेट चूंडन में भरपूर नमूने सा हिस्सो वठण घुर्जे। पर डे फंडिंग केस मानामा टू बणजी वेंदो। मरियम नवाज के मशवरो आहे तो पर डे फंडिंग केस पढ़े। संदन खोड़ सारियूं मिल्कियतूं जाहिर थियण वारियूं आहिनि। वफाकी घरू वज़ीर शेख रशीद जी कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस में चवण आहे तो पीटीएम जा समूरा मामला मौलाना फज़ल रहमान के खाते में अची रहा आहिनि, जैसा खैस नुकसान थींदो। जेयूआई तरफा अज कराची में इसराइल खिलाफ रैली कढ़ी पी वे। मुख्तलिफ शहर का कारकुनन जा काफिला रैली में शिरकत लाए कराची पहुंची रहा है। जेयूआई की रैली के मौके से सिक्योरिटी जहाँ इंतजाम सख्त किया गया। कायद आजम के मजार लग कॉरिडोर 3 ट्रैफिक लाए बंद। कॉरिडोर से मजार कायद सामू स्टेज तैयार। मौलाना फजलुर रहमान बया अगवाण खिताब कंदा। सिंध हाई कोर्ट में गुम थियल मानू की बाजियाबी लाए दरख्वास्त बुधनी। अदालत तरफा गुम थियल मानू बाजियाब न कराने से कावड़ जो इजहार। सिंध हाई कोर्ट वफाकी हुकूमत का जवाब तलब कर वरतो। गुम थियल मानू बाबत हिरासती मरकजन का भी जवाब तलब। अदालत एफआईए का गुम थियल मानू की ट्रैवल हिस्ट्री तलब कर वरती। अदालत मार्क्स ना तो 7-7 साल गुजरी वन था पर गुम थियल मानू बाजियाब ना कराए सको। केड़न धंधन में लगा पे आ। इलेक्शन कमीशन पीटीआई खिलाफ परडेही फंडिंग केस की दरख्वास्त गुजार अकबर एस बाबर के इल्जाम के रद्द कर छो। अकबर एस बाबर संदस वकील से स्क्रूटनी कमेटी के दबाव में आण की कोशिश कम में मुदाखलत जा इल्जाम। वे वजीर सैयद मुराद अली शाह केएमसी लाए 1,70,00,000 रुपये की मंजूरी दई छी। वे वजीर की सदारत हेठ केएमसी की माली मामलों बाबत इजलास। केएमसी नवंबर और दिसंबर में सीनियर ऑफिसर के पगार न दई सकी। इजलास की ब्रीफिंग मुराद अली शाह चवे तो केएमसी माली मामलों को शिकार है। अफसोस की गाल है तो केएमसी के अकेलो न छींदी। चाहूँ था तो केएमसी पैं पेर से बीह रहे। सिंध हाई कोर्ट के इलेक्ट्रिक खंगाइण खिलाफ दरख्वास्त रद्द कर छी। अदालत 15 सालन का पो यूनियन अगवाण की दरख्वास्त ते फैसलो बुधायो। लेबर यूनियन अगवाण चयो आहे त अदालत जे फैसले के चैलेंज कयो वेंदो। अदालत बेहतर बुधाए सघे थी त 15 साल इंतजार छो करायो। मुल्क में कोरोना वायरस बिगे 54 मरीज फौत। फौतन जो अंग 11,157 थी पो। गुजरियल 24 कलाक दौरान 2,363 नवा केस रिपोर्ट। मुल्क में वबा सतलन जो अंग 5,27,146 थी पो। सिंध में 2,28,470, पंजाब में 1,51,603, बलूचिस्तान में 18,670, केपीके में 64,373, इस्लामाबाद में 40,430, गिलगित बल्तिस्तान में 4,894, आजाद कश्मीर में 8,706 केस रिपोर्ट। हैदराबाद के कासमाबाद वाले इलाके में सीनियर सहाफी जैन मुगल जी एन मुगल के घर में हथियार बंदन की फुरलुट जवाबदार मज़ाहमत से सहाफी के जख्मी कर छो। सिंध हुकूमत के तर्जुमान मुर्तजा वहाब वाक़े जो नोटिस वी छो। एस एस पी के जवाबदार के बिना देर गिरफ्तार करण की हिदायत। डी सी फवाद सूमरे सहाफी जी एन मुगल के घर पहुंची संदस यादत कई।
जैकबाबाद में मुल्कियत के तकरार का बलूचिस्तान जो पुलिस अहलकार कतल। जवाबदार अजीज नमतुल्ला सूरो से बंदूक जा पार कर कतल किया। पुलिस जवाबदार के भाव के गिरफ्तार कर वरतो। पुलिस के जवड़ाह से मुख्य जवाबदार की गिरफ्तारी लाए कोशिशों जारी। खैरपुर नाथन शाह लग कुंडी चुकी रोड से कोच के टक्कर में मोटरसाइकिल नौजवान फौत हो। वाके का पोए मच्छर मान कोच के बाह दे छी। नूरियाबाद में कौमी शाहराह से ट्रॉलर ए कोच में टक्कर, टीह जणा जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। कंद कोच भरसा चिमनी शाख व ट्रॉलर जो मोटरसाइकिल के टक्कर, एक जणो फोत। रोड हादसे में होसपुर वासी फकीर मलिक हयाती विञाए वेठो।